यश और प्रिंस के बीच में फाइट हो रही है, लेकिन ये फाइट क्यों हो रही है और क्या ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे? किट्टू को प्रिंस के दरबार में लाया जाता है। प्रिंस के सिपाही किट्टू को बॉक्स से बाहर निकालते हैं और एक जादुई रस्सी में बंद कर देते हैं। किट्टू खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जादुई रस्सी बहुत पावरफुल थी। किट्टू थक के नीचे गिर जाती है। सिपाही किट्टू को उठाकर पकड़ लेते हैं। कौन हो तुम और मेरे राज्य में क्या कर रहे थे? मैं अच्छी घोस्ट हूँ, मुझे छोड़ दो। पकड़े जाने पर सारे भूत ऐसा ही बोलते हैं। इसकी पिटाई करो। सिपाही एक स्पेशल डंडे से किट्टू की पिटाई करने लगते हैं। 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे किट्टू को डंडे पड़ रहे थे, वैसे वैसे किट्टू को बहुत दर्द हो रहा था। किट्टू जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन प्रिंस के सिपाही उसकी पिटाई करना बंद नहीं करते। तभी अचानक अपनी दीदी को ढूंढते ढूंढते मिट्टू दरबार तक पहुंच जाता है। वहां पर किट्टू की पिटाई हो रही थी। मिट्टू पर्दे के पीछे से छुपकर किट्टू को देख लेता है और रोने लगता है। मिट्टू तुरंत भागते भागते यश के पास पहुंच जाता है। यश, यश, वो मेरी दीदी। अरे यार, क्या हुआ मिट्टू, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तब मिट्टू बताता है कि वहां पर दीदी की पिटाई हो रही है। किट्टू की पिटाई की बात सुनकर यश को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये भूत होके भी पिट कैसे सकता है? जरूर उसे मारने वाला कोई बहुत शक्तिशाली है। वो तुरंत मिट्टू के साथ किट्टू की तरफ निकल पड़ता है। यश अपनी बाइक को पूरी स्पीड में भगाता है। यश जिंदगी में पहली बार इतनी तेज बाइक चला रहा था। यश को कैसे भी करके किट्टू को बचाना था। यश और मिट्टू प्रिंस के महल में पहुंच जाते हैं। यश, दीदी को वहां पर मार रहे हैं। यश अपनी बाइक सीधे प्रिंस के दरबार में लैंड कर देता है। वहां पर किट्टू नीचे गिरी हुई थी और सिपाही उसे मार रहे थे। किट्टू पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो जोर जोर से रो रही थी। किट्टू की हालत देखकर यश की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। यश वहीं पर घुटनों पर बैठ जाता है। प्रिंस के सिपाहियों ने किट्टू को मार मार कर अधमरा कर दिया था। मिट्टू सीधा जाकर अपने दीदी के गले लग जाता है। यश की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है। यश का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है। यश प्रिंस के सिपाहियों को उठा उठा कर पटकने लगता है। जो सिपाही किट्टू को पीट रहे थे, यश उनकी टांगे तोड़ देता है। यश की पावर देखकर दरबार के सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन प्रिंस, पकड़ो इस आदमी को, यह आदमी है या कोई घोस्ट? प्रिंस का ऑर्डर मिलते ही सारे सिपाही यश को पकड़ने लगते हैं, लेकिन आज यश को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। यश पूरे गुस्से में था और उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त किट्टू की यह हालत देखकर यश अपने काबू से बाहर हो जाता है। वो बिल्कुल पागलों की तरह सबको मारे जा रहा था। जो भी यश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, यश उसकी हड्डी पट्टी तोड़ के फेंकते जा रहा था। एक एक करके प्रिंस के सारे सिपाही घायल हो जाते हैं। सबसे लास्ट में प्रिंस का सबसे पावरफुल घोस्ट, जो कि प्रिंस की आर्मी में ही है, यश से फाइट करने के लिए आगे आता है। उसे पकड़ कर लाओ, मुझे वो जिंदा चाहिए। लेकिन जैसे ही वो घोस्ट यश को पकड़ने की कोशिश करता है, यश अपनी गन से टोर्नेडो बना देता है और प्रिंस का घोस्ट उस टोर्नेडो में फंस जाता है और घूमने लगता है। फिर यश अपनी गन से एक फायर करता है और प्रिंस के घोस्ट को पकड़ लेता है। जब सारे लोग यश से हार जाते हैं, तो खुद प्रिंस मैदान में आ जाता है। यश और प्रिंस में जोरदार फाइट होने लगती है। प्रिंस यश को जोरदार भूखा मारता है और यश दूर जाके गिरता है। यश फिर बहुत सारी फायर गोलियां निकालता है और प्रिंस के चारों तरफ फेंक देता है। प्रिंस के चारों तरफ आग लग जाती है और मौके का फायदा उठाकर यश किट्टू के पास पहुंच जाता है। किट्टू, इन लोगों ने तुम्हारी बहुत पिटाई की है, मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक पीछे से प्रिंस आ जाता है और यश को उठाकर फेंक देता है। यश दोबारा से खड़ा होता है और प्रिंस को एक जोरदार किक मारता है। इसे मारने के लिए मुझे अपनी पावर का यूज करना होगा। प्रिंस फिर अपनी तलवार बाहर निकालता है। इस तलवार के सामने ना कोई इंसान टिकता है, ना कोई भूत, तुम कैसे टिकोगे? जैसे ही प्रिंस अपनी तलवार से यश पे अटैक करता है, यश अपनी गन का एक बटन दबा देता है और उसमें से लेजर निकलने लगती है। प्रिंस अपनी तलवार सामने ला लेता है। प्रिंस की तलवार के सामने लेजर कुछ नहीं कर पा रही थी, तलवार सारी लेजर को अपनी तरफ खींच रही थी। फिर प्रिंस यश की ही लेजर अपने तलवार से यश की तरफ छोड़ देता है। यश एक लंबी जंप करके बच जाता है। फिर प्रिंस अपने तलवार से वापस लेजर छोड़ता है। लेजर जाके दीवार पे लगती है। दीवार में क्रैक्स आने लगते हैं। दोनों में से कोई हारने वाला नहीं था। यश की गन में शक्तियां हैं तो प्रिंस की तलवार में। युद्ध जोरदार हो गया था। ऐसा लग रहा था अगर प्रिंस और यश थोड़ी देर और लड़े
तो धरती हिलने लगेगी, पूरा महल टूट जाएगा। तभी वहाँ अचानक साधु आ जाते हैं और यश और प्रिंस के बीच में खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। यश और प्रिंस एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुम लोग दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो, खुद को पहचानो। फिर साधु यश को बताते हैं कि प्रिंस भी बहुत बड़ा घोस्ट हंटर है और हमेशा अच्छाई का साथ देता है। लेकिन साधु महाराज, इसने फिर मेरे दोस्त किट्टू को क्यों मारा? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। होश में आओ यश, प्रिंस को किट्टू भूत लगा इसलिए उसे पकड़ लिया। उसे किट्टू के बारे में नहीं पता होगा। साधु महाराज के समझाने पर यश प्रिंस से हाथ मिलाकर दोस्ती कर लेता है। माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मुझे भी माफ कर दो यश, मैंने किट्टू को बहुत टॉर्चर किया। इसके बाद यश और प्रिंस एक दूसरे से गले मिलते हैं। प्रिंस तुरंत अपने राज्य के वैद्य को बुलाता है और किट्टू का इलाज शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रिंस यश को अपना राज्य दिखाने के लिए लेके जाता है। यार प्रिंस, ये बताओ तुम गोस्ट हंटर कैसे बन गए? तब प्रिंस बताता है कि उसके पापा भी गोस्ट हंटर थे लेकिन उन्हें मार दिया गया। प्रिंस के पापा चाहते थे कि प्रिंस इन सब चीजों से दूर रहे। प्रिंस भी गोस्ट हंटर बन गया। प्रिंस ने खुद से तपस्या करके और उसके पापा की बुक्स पढ़ के गोस्ट को पकड़ना सीख लिया है। और जो प्रिंस के पास तलवार है वो उसके पापा की है। प्रिंस के पापा के मरते ही भूतों ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था लेकिन प्रिंस ने अकेले के दम पर सारे भूतों को हरा दिया और वापस अपने राज्य को पा लिया। प्रिंस के पापा की कहानी सुनकर यश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिंस, मेरे पापा को भी चलचस जो वल्चस का भाई है उसने मार दिया था। मेरे पापा भी गोस्ट हंटर थे। तब यश प्रिंस को बताता है कि वल्चस गोस्ट यूनिवर्स का किंग है और वो दुनिया पे राज करना चाहता है। वल्चस सारे इंसानों को मारकर भूत बनाना चाहता है। और मुझे वल्चस को हराने के लिए 5 स्टोन्स चाहिए जो दुनिया के अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। उन लोगों ने जब पापा को मारा था उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं भी बड़ा होकर गोस्ट हंटर बनूंगा। लेकिन तुम्हारी ये तलवार इतनी शक्तिशाली कैसे है? तभी वहाँ एक सिपाही आ जाता है और प्रिंस को बताता है कि राज में बहुत सारे भूत आ गए हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। भूतों ने लोगों के घर तोड़ दिए थे और सारे बर्तन इधर उधर फेंक रहे थे। बच्चों को डरा रहे थे, लोगों को मार रहे थे। ये देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है। प्रिंस अपनी तलवार निकालता है और भूतों को मारने लगता है। यश भी अपनी गन से भूतों को पकड़ने लगता है। प्रिंस के पीछे से हमला कर देता है। यश प्रिंस को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। लेजर आके यश के पापा के बेल्ट पे लगती है। बेल्ट से खतरनाक रोशनी निकलने लगती है और वो गोस्ट वहाँ पे भस्म हो जाता है। यश फोकस करने लगता है और सारे गोस्ट यश की तरफ खींचे चले आते हैं। यश अपने पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था, सारे गोस्ट को अपने तरफ खींच रहा था। गोस्ट कुछ नहीं कर पा रहे। प्रिंस की गोस्ट पकड़ने वाली आर्मी गोस्ट को पकड़ना शुरू कर देती है और धीरे धीरे सारे गोस्ट पकड़े जाते हैं। यश के पावर्स को देख प्रिंस और वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं। उधर भूतों की रक्षक वापस धरती पे आ जाती है। भूतों की रक्षक को वल्चस की आर्मी स्टॉर्म करनी है, सारे भूतों को इकट्ठा करना है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वल्चस और बाकी भूत सिर्फ रात को बाहर निकल सकते हैं, तो दिन में धरती पे रूल कैसे करेंगे? इसका जवाब भी रक्षक को ढूंढना था। भूतों की रक्षक अपने शमशान घाट पहुंच जाती है और अपना ब्लैक मैजिक शुरू कर देती है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे भूत आ जाते हैं। भूतों की रक्षक उनसे कहती है, अपने सारे भूतों को इकट्ठा करो, जंग शुरू हो चुकी है। इतना कहते ही सारे गोस्ट और भूतों के रक्षक गायब हो जाते हैं। उधर गोस्ट यूनिवर्स में वल्चस टकोला तांत्रिक से अकेले में मीटिंग करता है और टकोला तांत्रिक से इम्प्योर गोस्ट की आर्मी बनाने के लिए कहता है। वल्चस ने धरती के हर कोने में इम्प्योर गोस्ट फैला रखे है। इम्प्योर गोस्ट आधे इंसान होते हैं और आधे गोस्ट होते हैं। वल्चस कई सालों से धरती पर इम्प्योर गोस्ट बना रहा है क्योंकि गोस्ट यूनिवर्स के भूत केवल रात के समय धरती पे आ सकते हैं, इसलिए इम्प्योर गोस्ट दिन के समय में धरती की इन्फॉर्मेशन गोस्ट यूनिवर्स में सेंड करते हैं। इम्प्योर गोस्ट का काम दिल रात जलमणि और बाकी 4 स्टोन्स को ढूंढना है। ये लोग इंसानों के बीच रहकर इन स्टोन्स को ढूंढ रहे हैं। उधर भील और रत्नी जड़ी बूटी लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। भील अपनी माँ को जड़ी बूटी खिलाता है लेकिन फिर भी उसकी माँ ठीक नहीं होती। भील की माँ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। भील तुरंत कबीले के वैद्य से पूछता है, ये क्या हो गया है मेरी माँ को? जड़ी बूटी खिलाने के बाद भी कुछ असर क्यों नहीं हुआ? तो कबीले का वैद्य कहता है कि आज तक ऐसी बीमारी उसने कभी नहीं देखी है। बेटा, ये बीमारी तो मेरे पकड़ से बाहर है, अब तो कबीले की देवी ही कुछ कर सकती है।
धीरे धीरे भील की माँ की तबीयत और बिगड़ने लगती है। भील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझे यहाँ एक घोस्ट के होने का एहसास हो रहा है, लेकिन कहाँ, कहीं मेरे अंदर तो नहीं। रजनी पूरा फोकस करने लगती है और भील की माँ के अंदर से भूत बाहर आने लगता है। भील की माँ के अंदर भूत चला गया था और सबको लग रहा था कि भील की माँ बीमार है। रजनी अपना पूरा जोर लगा देती है और भूत की पावर को अपने अंदर खींच लेती है। भूत बाहर निकल आता है और फिर भील की माँ ठीक हो जाती है। वाह रजनी, तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीख रही हो और तुम्हारे अंदर भूतों की शक्तियां लेने का पावर है। रजनी, तुमने मेरी माँ की जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा और तुम्हें पावर्स को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। उधर अनादि जंगल में अज्जू और रज्जू के साथ पिकनिक मना रहा था। अज्जू और रज्जू आग जलाकर मक्का सेक रहे थे और अनादि आराम से बैठकर मक्के खा रहा था। लीजिए उस्ताद, आपके लिए स्पेशल मसाला डालकर बनाया है। अनादि मसाले वाला मक्का टेस्ट करने लगता है। यार ये तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। तभी अचानक वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है। अज्जू और रज्जू बहुत डर जाते हैं। उस्ताद, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन अनादि तो मसालेदार मक्के खाने में बिजी था। देखते कोच यूनिवर्स का दरवाजा सामने वाले पेड़ में खुल जाता है। अज्जू और रज्जू तो तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं। कोच यूनिवर्स से बहुत सारे भूत आने लगते हैं और फिर जलचस्पी बाहर आ जाता है। जलचस्प बेटा, कैसे हो? अनादि, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। भाई अभी तो मुझे अलग अलग तरह के व्यंजन ट्राई करने हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। लेकिन लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है। जलचस्प बिना देरी के तुरंत अनादि के ऊपर अटैक कर देता है। जलचस्प और अनादि के बीच जोरदार फाइट होने लगती है। तभी अचानक एक गोस्ट अनादि के पैर पकड़ लेता है। अरे छोड़ दे भाई, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन गोस्ट पैर नहीं छोड़ता। अनादि अपनी पूरी पावर लगा देता है और गोस्ट को फेंक देता है। गोस्ट सीधा जाकर मक्के पर गिरता है और मक्का खाने लगता है। अरे ये तो बहुत टेस्टी चीज है। ये सुन सारे गोस्ट वहाँ मक्का खाने लगते हैं। अगर किसी ने मेरे भुट्टे को हाथ लगाया तो मैं उसका पापड़ बना दूंगा। लेकिन गोस्ट अनादि की बात नहीं सुनते और सारे भुट्टे खाने लगते हैं। अनादि को बहुत गुस्सा आ जाता है। अनादि अपनी बॉक्सिंग स्टाइल में जलचस की धुनाई करने लगता है, लेकिन जलचस भी पावरफुल है। वो अनादि के हाथ पकड़ कर तोड़ देता है। अनादि इतने जोर से चिल्लाता है कि जंगल के सारे पक्षी उड़ जाते हैं। अनादि अपने हाथ को सीधे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ सीधे नहीं होते। अनादि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अनादि पास वाले तालाब के पानी को कंट्रोल करने लगता है। सारा पानी तालाब से निकलकर हवा में उड़ने लगता है। अनादि पूरा पानी जलचस और बाकी गोश्तों पर फेंक देता है और मौके का फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। वहीं इस बार कोच यूनिवर्स का दरवाजा एक क्रिकेट एकेडमी में खुलता है। रात के समय प्रशांत अकेला क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा था। प्रशांत एक बॉल को हिट करता है, लेकिन बॉल नेट से टकराकर गायब हो जाता है। प्रशांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो धीरे धीरे नेट की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक नेट के अंदर कोच यूनिवर्स का दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारे घोष बाहर निकलने लगते हैं। एक घोष प्रशांत की बॉल लेकर बाहर आता है और बॉल को तेजी से प्रशांत की तरफ फेंकता है। प्रशांत के हाथ में बैट था और वो बॉल को हिट कर देता है। बॉल सीधे जाकर एक घोष के पेट में लगता है। सारे घोष प्रशांत को पकड़ने लगते हैं और प्रशांत वहां से भागने लगता है। भागते भागते प्रशांत एक डस्टबिन में छुप जाता है और यश द घोष हंटर को कॉल करता है। उस समय यश, प्रिंस और किट्टू साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। सर सर, क्रिकेट एकेडमी में जल्दी आ जाइए। अरे यार अभी मेरा क्रिकेट खेलने का मूड नहीं है, कभी टाइम मिला तो जरूर आऊंगा। तब प्रशांत बताता है कि उसकी क्रिकेट एकेडमी में बहुत सारे भूत आ गए हैं और वो सारे भूत उसे मारने वाले हैं। अपनी लोकेशन भेजो यार, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रशांत यश को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। मुझे अभी जाना होगा मेरे दोस्त, मैं गोस को पकड़ के वापस आता हूँ। यश किट्टू और मिट्टू को प्रिंस के पास छोड़कर क्रिकेट एकेडमी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं जंगल के पास एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर ज्वालामुखी फट जाता है। ज्वालामुखी का सारा लावा बहकर जंगल में फैल जाता है। ज्वालामुखी के अंदर से आग निकल रही थी, उसी आग में से एक लाल रंग का पत्थर बाहर निकलता है और लावा के साथ बहकर चट्टानों के बीच चला जाता है। क्या ये पत्थर अग्निमणि है और क्या यश अग्निमणि के बारे में जानता है? क्या होगा आगे देखेंगे हम अगले एपिसोड में।